मैडम ने मात्रा बताने बहुत बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया। आ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा इस तरीके से बताया। उस हिसाब से बच्चों को ओ की मात्रा जब हम बताएंगे तो पहले जो अक्षर है उसके साथ में हम आ की मात्रा बताएंगे, फिर इस एक्शन को करते हुए ओ की मात्रा बताएंगे। और जब ये होगा तो फिर बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों देखो इस साइड से ऐसे बन रहा है। तो जिस भी अक्षर पे हम इस मात्रा को लगा देंगे तो वो ओ की मात्रा के साथ में बोला जाएगा। जैसे त पर लगा हुआ है तो और ता पर आ की मात्रा तो हो जाएगा ये तोता। तो इस तरीके से हम ओ की मात्रा को समझा देंगे, बच्चों को सिखाएंगे। फिर उसी तरीके से 10 अक्षर पे ले लेंगे टोपी, अलग अलग अक्षर लेकर के बच्चों को उस मात्रा को समझा देंगे। उसके बाद में अ की मात्रा, अब अ की मात्रा जब आएगी तो उसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि जो ओ की मात्रा ऐसे लगी हुई थी एक उंगली था, अब ये दो हो जाएगा तो अ की मात्रा हो जाएगी। तो अ की मात्रा को जैसे ल लेकर के उस पे सब हम लौकी लिखना था तो ल पर अ की मात्रा लगा दिए लौ की। तो बच्चों को लौकी तो हम पढ़ा देंगे लेकिन हाईलाइट हमको करना है लौ अ की मात्रा। उसी तरीके से और सब जैसे फौजी, औरत, कौवा इस तरीके से दोनों मात्रा को हम समझा देंगे। और अब इसमें जगह कम होने की वजह से स्लोगन अलग से बना हुआ है, ये बच्चों को सुनाएंगे। दोपहर के बज गए दो गोपाल हमको समोसे दो, भागता भागता मनोहर आया गरम गरम समोसे लाया, रोहन गोलू समोसे खाओ कोमल बिटिया चाय बनाओ। ये स्लोगन लिखने के बाद में फिर हम एक एक बच्चों को बुलाएंगे और जहाँ वो बना हुआ वो सब उनको मार्क करने को बोलेंगे कि बेटा।